देखिएगा, जनरली क्या होता है कि संस्कृत के स्कूल्स में सही से ढंग से नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि टीचर्स को भी इतना कोई खास नॉलेज होता नहीं है, तो बच्चे के पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है कि भैया वो रट ले। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रट ली जाती हैं उसको, चाहे वो सिक्स क्लास से चालू होती है, उसकी संस्कृत टेंथ क्लास तक रहती है, और बच्चा सिक्स से लेकर टेंथ तक सिर्फ रटता जाता है, रटता जाता है, रटता जाता है। जनरली क्या होता है, क्योंकि उसको बहुत छोटे छोटे बेसिक जो शब्द होते हैं उनके मीनिंग नहीं पता होते, जैसे कि इंग्लिश में ही शी एट आई वी दे यू, जो नॉर्मल एक जो सब्जेक्ट होते हैं उनके तक हमें मीनिंग पता नहीं होते संस्कृत में। मैंने संस्कृत में बहुत सारे वीडियोज़ पहले प्रीवियसली में बनाए हुए हैं, जिसमें टेंस है, विभक्तियाँ हैं, लकार विभक्तियां हैं, और लिंग, वचन, पुरुष, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने उस पर बनाए हुए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बेसिक संस्कृत के कुछ वर्ड्स बता जाऊंगा, इससे सब्जेक्ट जो मैं मेन चीज़ बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट पे, तो आज मैं आपको बताऊंगा संस्कृत में सब्जेक्ट को किस तरीके से हम बोलते हैं, करते हैं। तो देखिएगा, संस्कृत में आपको पहले ही पता होना चाहिए संस्कृत में तीन तरीके से चीज़ें चलती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जनरली जो इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में या हिंदी में दो तरह से ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे हम जैसे अगर हम जैसे दो तरीके से बात करें, एक वचन मतलब जो एक का बोध करा है, द्विवचन मतलब यहाँ पे दो की बात हो रही, बहुवचन यहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही हो। तो जैसे कि वह हमें अगर बोलना है, वह किसके लिए, लड़के के लिए बोलना है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही। बट यहाँ पर हम देखिएगा एक वचन में अलग बोलेंगे, द्विवचन में अलग बोलेंगे और बहुवचन में अलग बोलेंगे। तो लड़के के लिए एक वचन बोलते हैं सहा, द्विवचन में तव, सातव, और इसमें अगर बहुत बहुत सारे लोग हैं तो आपका होगा ते। अगर इसको हम लड़की के लिए बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे शी, और यहाँ बोलेंगे सा ते तहा। देखो ध्यान से, अगर आपने गलती से भी अगर ते वर्ड यहाँ पे अगर इसका इस पर यूज कर लिया, तो इसका मतलब अगर द्विवचन में लड़की के लिए होता है, शी के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है, और वही बहुवचन में ते के लिए होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसके बाद इट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करते हैं। तो इट में यहाँ पे जो इसका भी तीन चीज़ होगी, यहाँ पे तत्, ते और तानी वर्ड यूज़ करते हैं, तत् ते तानी, तत्ते तानी। तो दे बेसिकली ही शी इट, जो सिंगुलर, जो इंग्लिश में सिंगुलर होते हैं ही शी इट, उसके लिए जो वह है, जिसका मीनिंग वह या वो होता है, तो इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में संस्कृत में इस तरीके से बोलेंगे। वह को बोलते हैं सह, लड़के को सह, सह तऊ ते सा ते तह तत्ते तानी। एक एल्गोरिदम में आप इसको इस रिदम में याद कर लो, सा तऊ ते सा ते ता तत्ते तानी। तो इसके साथ अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, इसको वैसे हम बोलेंगे तो इसको प्रथम पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम पुरुष। अब इसके बाद आपका दूसरा होता है तुम, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं यू, क्या बोलेंगे यू। तो यहाँ पे भी इसको दो तीन तरीके से बोलेंगे, तुम को यहाँ पे तुबम बोलते हैं, एक वचन के तुम दोनों, तुबम युवम, और तुम सबके लिए हो जाएगा यू यम, ये हो जाएगा तुम, ये हो जाएगा तुम दोनों, तुम दोनों या आप दोनों, और ये तुम सब या आप सब के लिए। इसको बेसिकली मध्यम पुरुष भी कहते हैं, और अगर तुम वर्ड का यूज होगा तुबम युवम यूयम हो जाएगा। और अब इसके बाद आता आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो इसको वैसे इसको मध्यम पुरुष बोलते हैं और इसको उत्तम पुरुष बोले, मैं मीन्स होता है अहम, और हम मैं के बाद हम दोनों के लिए होता है आवम, और इसके लिए हम सब के लिए हो जाएगा वयम, हम सब के लिए हो जाएगा वयम। तो ये जनरली तुम मिस तुवम, तुम दोनों मिस यूयम, तुम सब मिस यूयम, अहम मतलब मैं, तो अहम मिस आई मीन्स मैं अहम, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट होते हैं आपके संस्कृत में, संस्कृत में आपको सब्जेक्ट तीन तरीके से रह सकता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। तो आपको वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बेसिक ये जो संस्कृत ग्रामर है बहुत बेसिक है, लेकिन अगर यही आपको आ जाए तो आप धीरे धीरे क्या करके उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। अब आपको यही नहीं पता तुवम मिस क्या होता है, यूयम मिस क्या होता है, यूयम मिस क्या होता है, तो आप कहाँ से संस्कृत का मीनिंग आप हिंदी में या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो, में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं संस्कृत पर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं, जिससे आपकी संस्कृत जैसे जस्ट लाइक हिंदी हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।